Hello students, welcome to Easy Biology Tutorials. And today we are going to start with the next topic, that is the prophase. हम कर रहे थे prophase के आगे वाला part हम करने वाले हैं. So students, basically the prophase is divided into the early prophase and the late prophase. Early prophase के अंदर क्या होता है? DNA के molecules जो हैं, they are intertwined. And in the late prophase, जो centrosome से esters जो हैं, वो radiate out होना शुरू हो जाते हैं. And they form the mitotic apparatus. Mitotic apparatus जो है वो बनना शुरू हो जाता है. Cells at the end of the prophase do not show Golgi complexes, endoplasmic reticulum, nucleolus and nuclear envelope. अभी ये जो parts हैं, ये cell organelles हैं, ये क्या है? ये disappear होना शुरू हो जाती हैं. क्यों? क्योंकि एक newly formed cell के अंदर ये बाद में appear, reappear हो जाएंगी. तो अभी के लिए क्या हो रही हैं? These are being disappeared. Next is metaphase. So हमने क्या याद किया था? कल को हमने याद किया था that the M phase is having interphase के अंदर हमारे पास तीन phases हैं, the G1, S and the G2 phase. Metaphase के अंदर we have remembered the abbreviation PMAT. ठीक है? PMAT P क्या था? Prophase. Prophase is done. Now we have to come at the next stage, that is the metaphase stage. The nuclear envelope completely disintegrates. The nuclear envelope मतलब जो nuclear membrane थी, inner membrane and the outer membrane, ये क्या हो रही है? ये disappear हो रही है. Late prophase के अंदर क्या हुआ था? Cell organelles disappear होना शुरू हुई थी. क्योंकि cell organelles की division में जरूरत नहीं है, इसलिए वो क्या हो जाती है? वो disappear हो जाती है. जब new cells divide हो जाते हैं तो फिर वो reappear होना खुद ब खुद से बनना शुरू हो जाती है. न्यू सेल्स के अंदर ये सारी सेल ऑर्गेनेल्स अपने आप बन जाती हैं. ठीक है? सो अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगर डिसइंटीग्रेट होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन पहले गायब होगी, फिर ही तो हमारी न्यूक्लियर डिवीजन हो पाएगी. तो क्या है, मेटाफेज की शुरुआत में क्या होता है? न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट्स डिसइंटीग्रेटिंग. हेंस द क्रोमोसोम स्प्रेड थ्रू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल. क्रोमोसोम क्या है? वो साइटोप्लाज्म के अंदर स्प्रेड हो जाते हैं. ये देखो, ये क्रोमोसोम फैल रहे हैं. द क्रोमोसोम कंडेंसेशन इज कंप्लीटेड. प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन शुरू हुई थी, मेटाफेज के अंदर आके जो कंडेंसेशन है वो कंप्लीट हो जाती है. क्रोमोसोम्स हम देख पाते हैं. दे कैन बी इजीली स्टडीड अंडर द माइक्रोस्कोप. दे विल हैव टू सिस्टर क्रोमैटिड्स. ठीक है? तो स्टूडेंट्स, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेम्बर कि हमारे पास क्या है, क्रोमोसोम्स का प्रॉपर स्ट्रक्चर आ जाता है मेटाफेज के अंदर. तो अगर आपको क्वेश्चन आए कि इन विच स्टेज द क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड, द क्रोमोसोम्स कैन बी स्टडीड, बेस्ट स्टडी ऑफ क्रोमोसोम इज ओनली पॉसिबल इन द मेटाफेज स्टेज. Is only possible in the metaphase stage. So this is clear. Okay. So chromosomes के पास क्या है? दो sister chromatids आ जाती हैं and they can be easily studied under the microscope. Chromosomes come to lie at the equator. Equator मतलब वो cell के center में आना शुरू हो जाते हैं. The plane of alignment of chromosomes at metaphase is called the metaphase plate. Metaphase plate जो है students वो बननी शुरू हो जाती है. The plane of alignment at the chromosomes. This is known as the metaphase plate. कि center में आके chromosome क्या होते हैं, align होना शुरू हो जाते हैं. Next is the spindle fibers from both the poles are connected to the chromatins by their kinetochores in the centromere. सेंट्रोमियर इज दिस पार्ट. ये कि ये क्या है, सेंट्रोमियर है. सेंट्रोमियर से एस्ट्रल रेज आना शुरू हो जाती है. एस्ट्रल रेज से स्पिंडल फाइबर्स अराइज होना शुरू हो जाती है. एंड दोनों पोल्स पे, द अपर पोल एंड द लोअर पोल, दोनों पोल्स से स्पिंडल फाइबर्स निकल जाती हैं बाहर, क्रोमोसोम की तरफ अटैच हो जाती हैं. दे आर कनेक्टेड टू द क्रोमैटिन्स. क्रोमैटिन्स के काइनेटोकोर, काइनेटोकोर क्या होता है? वी आर हैविंग दिस क्रोमोसोम, दिस इज अवर क्रोमोसोम. यहाँ पे काइनेटोकोर होता है. काइनेटोकोर एक एंड स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे कनेक्ट होता है, दूसरा एंड स्पिंडल फाइबर का यहाँ पे कनेक्ट होता है, ताकि वो क्रोमोसोम्स की आर्म को सेपरेट कर सके. एंड इन द नेक्स्ट डायग्राम वी विल हैव द क्रोमोसोम सेपरेशन.
क्रोमोसोम्स नेक्स्ट में क्या हो जाती हैं, सेपरेट हो जाती हैं, दे आर सेपरेटेड इनटू टू पार्ट्स, दिस एंड दिस, ठीक है? हाँ जी, आफ्टर नाउ मेटाफेज कंप्लीट हो चुका है। मेटाफेज के अंदर हमने क्या क्या कुछ देखा कि जो काइनेटोकोर्स है वो स्पिंडल फाइबर से अटैच हो गए, क्रोमोसोम्स का बिल्कुल प्रॉपर स्ट्रक्चर बन चुका है। क्रोमोसोम की स्टडी करने के लिए बेस्ट हमारे पास स्टेज है, दैट इज द मेटाफेज स्टेज। नाउ एनाफेज इज द शॉर्टेस्ट फेज, प्रोफेज वाज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द एमफेज। एमफेज पहले तो होता ही 25 मिनट का है, 25 मिनट में से आप लगा लो 15 मिनट तो प्रोफेज के हो गए, उसके बाद मेटाफेज आता है, तो एनाफेज इज द स्मॉलेस्ट फेज, आप लगा सकते हो ये 5 मिनट का या 5 से भी कम मिनट का होगा। द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम डिवाइड्स लॉन्गिट्यूडिनली रिजल्टिंग इनटू द फॉर्मेशन ऑफ द टू डॉटर क्रोमैटिड्स एंड क्रोमोसोम्स ऑफ द फ्यूचर डॉटर न्यूक्लियाई। तो ये देखो मेटाफेज के अंदर हमने क्या पढ़ा था, मेटाफेज के अंदर अभी क्या हुआ था कि वो काइनेटोकोर को अटैच हो चुके थे, सेपरेट होना नहीं शुरू हुआ था। मैंने आपको डायग्राम बना के दिखाई थी कि वो सेपरेट हो जाएंगे, बट अभी तक वो सेपरेट नहीं हुए थे। नाउ वो क्या हो गया, नाउ दे आर सेपरेटेड। ये देखो एक क्रोमोसोम ने दो क्रोमोसोम्स के अंदर डिवाइड हो गए, ये जो एक्स थी हमारे पास, दिस एक्स इज डिवाइडेड इनटू, ये जो हमारे पास एक्स थी अब ये एक्स ऐसे डिवाइड हो चुकी है, दिस एंड दिस। नाउ एज द स्पिंडल फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट द क्रोमैटिड्स मूव फ्रॉम द इक्वेटर टू द ऑपोजिट पोल्स। ये देखो ऑपोजिट पोल पे अब सेल के पहले क्या थे, अलाइंड थे, मेटाफेज प्लेट फॉर्म हुई थी, पहले क्या थी प्लेट फॉर्म हुई थी, प्लेट वॉज एट द सेंटर। एनाफेज के अंदर क्या हो गए, वो डिवाइड हो गए, नाउ दे हैव बीन डिवाइडेड एंड मूव्ड टू द पोल्स। हमने क्या करनी थी, न्यूक्लियर डिवीजन करनी थी, न्यूक्लियर डिवीजन हमारी हो गई, हमने क्रोमोसोम्स फॉर्म किए, क्रोमोसोम्स की आर्म्स को क्या कर लिया, सेपरेट कर लिया। एनाफेज वॉज द शॉर्टेस्ट फेज। टीलोफेज के अंदर क्या होगा, जो चीजें डिसअपीयर होनी शुरू हुई थी वो चीज टीलोफेज के अंदर रीअपीयर होना शुरू हो जाएंगी। क्रोमोसोम क्लस्टर एट द ऑपोजिट पोल एंड अनकॉइल इनटू क्रोमैटिन फाइबर्स। पहले क्या हुआ था, बिल्कुल ऑपोजिट, जो प्रोफेज के अंदर हुआ था, प्रोफेज का ऑपोजिट हो जाएगा टीलोफेज में, प्रोफेज के अंदर कंडेंसेशन होनी शुरू हो गई थी, है ना, जो ऑर्गेनेल्स थी वो डिसअपीयर होना शुरू हो गई थी, टीलोफेज के अंदर वो रीअपीयर होना शुरू होंगी। न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या थी, डिसअपीयर होना शुरू हो गई थी, नाउ न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या करेगी, रीअपीयर होना शुरू हो जाएगी अराउंड द क्रोमैटिन फाइबर्स, थस टू डॉटर न्यूक्लियाई आर फॉर्म्ड। अब हमारे पास क्या है, दो न्यूक्लियस फॉर्म हो चुके हैं, मतलब हमारी कैरियोकाइनेसिस जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। पी मैट वाज द फेजेस ऑफ द कैरियोकाइनेसिस, जिसके अंदर हमारा जो डीएनए है, डीएनए इज प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर्स। क्रोमैटिन फाइबर्स क्या है, अनकॉइल होके क्या बनाएंगी, क्रोमैटिन फाइबर्स अनकॉइल सॉरी कंडेंस होके क्रोमोसोम्स बनाएंगे, एंड क्रोमोसोम्स डिवाइड होने के बाद दोबारा से किस में फॉर्म हो जाएंगे, क्रोमैटिन फाइबर्स के अंदर। न्यूक्लियोलस, गॉल्जी एपरेटस एंड ईआर रीअपीयर, द स्पिंडल फाइबर डिसअपीयर। तो स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल एपरेटस जो भी बना था हमारा, वो सारा डिसअपीयर होना शुरू हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स जो डिसअपीयर हुई थी वो रीअपीयर होना शुरू हो गई। नाउ वी आर हैविंग द साइटोकाइनेसिस, एंड साइटोकाइनेसिस इज वेरी वेरी इजी, इट इज द डिविजन ऑफ साइटोप्लाज्म रिजल्टिंग इन द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स। So cytoplasm divides and forms into the two daughter cells. It starts when the telophase is in progress. तो telophase जब progress में है तभी क्या है, cytokinesis की ये furrow बननी शुरू हो जाती है, and the cytokinesis, the result of the cytokinesis is two cells. एक cell जिसके अंदर दो nucleus थे, अब वो दो cells के अंदर convert हो जाता है। साइटोकाइनेसिस आपको पढ़नी पड़ेगी डिफरेंटली इन द एनिमल सेल एंड इन द प्लांट सेल, बिकॉज द डिफरेंस लाइज बिटवीन द एनिमल एंड द प्लांट सेल साइटोकाइनेसिस। इन एनिमल सेल द क्लीवेज फरो इज अपीयर्ड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इट ग्रेजुअली डीपेंस एंड जॉइन इन द सेंटर डिवाइडिंग द साइटोप्लाज्म इनटू द टू सेल्स। ये हमारा ओवल शेप्ड सेल है, ओवल शेप्ड सेल इज कंसिस्टिंग ऑफ द टू न्यूक्लियसेस एट इट्स पोल्स, ठीक है। फिर क्या होगा, यहाँ पे फरो बनना शुरू होगा,
फरो मीन्स सेल की डिविजन होनी शुरू हो रही है। ये फरो धीरे धीरे क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, अल्टीमेटली ये क्या कर देगा, काट देगा। किसको काट देगा, ये देखो फरो क्या होगा, फुल हो गया, पूरा फुल हो गया, और अल्टीमेटली इट इज कन्वर्टिंग वन सेल इनटू द टू सेल्स। तो एक सेल जो है हमारा वो दो सेल्स के अंदर क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। प्लांट सेल के अंदर जो साइटोकाइनेसिस है दैट इज वेरी वेरी ऑपोजिट, इट इज डिफरेंट फ्रॉम द साइटोकाइनेसिस इन द एनिमल सेल्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल की प्रेजेंस होती है प्लांट सेल के अंदर, फंजाई सेल के अंदर। तो इसलिए ये जो हम बोल सकते हैं कि सेल डिवीजन का प्रोसेस है दैट इज कॉम्प्लिकेटेड इन द प्लांट सेल, सेल वॉल की वजह से यहाँ पे क्या फॉर्म होता है, सेल प्लेट फॉर्म होता है। तो स्टूडेंट्स व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एनिमल सेल के अंदर पेरीफेरी टू सेंटर जो डिवीजन है दैट गोज फ्रॉम द पेरीफेरी टू सेंटर, एंड प्लांट सेल के अंदर इट गोज फ्रॉम सेंटर टू पेरीफेरी। तो एनिमल सेल के अंदर क्या फॉर्म होता है स्टूडेंट्स, एनिमल सेल के अंदर एक फरो फॉर्म होता है, अ फरो इज फॉर्म्ड, एंड प्लांट सेल के अंदर सेल प्लेट इज फॉर्म्ड। ठीक है, सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द प्लांट सेल एंड द एनिमल सेल। It is different from the cytokinesis in the animal cells due to the presence of the cell wall. In plant cells, the vesicle forms from Golgi bodies accumulate at the equator. Golgi bodies क्या बनाती हैं? Vesicles बनाती हैं, वो equator के ऊपर इकट्ठी हो जाती हैं। पहले जो nuclear division है that takes place, उसके बाद जो cytokinesis होने के time पे क्या होता है, they fuse together to form the cell plates. ये vesicles fuse होके क्या बना रही है, cell plate बना रही है, and finally क्या हो जाएगी, ये cell plate दूर हो जाएगी, एक दूसरे से दूर हो जाएगी, separate हो जाएगी, dividing into the two cells consisting of the cell wall. ठीक है, वरना अगर plant cell को animal cell के तरीके से divide करना होता तो उसको पहले अपनी cell wall disappear करनी पड़ती। That was an energy consuming process, a lot of energy consuming process, जो कि एक plant cell afford नहीं कर सकता। इसी वजह से प्लांट सेल ने कैसा तरीका अपनाया, प्लांट सेल ने सेल प्लेट फॉर्मेशन का तरीका अपनाया। तो ड्यूरिंग साइटोकाइनेसिस ऑर्गेनेल्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स गेट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द डॉटर सेल्स। इन सम ऑर्गेनिज्म कैरियोकाइनेसिस इज नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, एज अ रिजल्ट मल्टी न्यूक्लियेट कंडीशन सिंसिटिसम, फॉर एग्जाम्पल इन एंडोस्पर्म एंड कोकोनट, syncytium condition, syncytium condition occurs. Syncytium, syn means many, cytium means nucleus. Ek nucleus, ek cell ke andar many nucleus. Cytium word is related to cell. Ek cell ke andar many nucleus. Syncytium. Now let us have the overall overview of this mitosis. First of all, there was a diploid cell. Then the DNA replicates and condenses into the chromosomes. Chromosomes get aligned and form the cell plate in the metaphase. फिर उसके बाद क्या होता है? In the anaphase they get separated. In the telophase they enter at the nuclear, मतलब nuclear poles के पास पहुंच जाता है nucleus जो है हमारा, and cytokinesis start हो जाती है. Then cytokinesis के time एक cell है, दो cells के अंदर convert हो जाता है. This is mitosis. Mitosis is known as the equational division because it has the equal number of chromosome as that of parent cells. What is the significance of mitosis? It produces diploid daughter cells with identical genome. जो genome है, जो genetic material है daughter cells का, वो parent cells से क्या होता है, बिल्कुल identical होता है. It helps to retain the same chromosome number in all somatic cells. Har somatic cell ke andar same number of chromosome. Theek hai, hamare har skin cell ke andar 46 chromosomes, har hair cell ke andar, har liver cell ke andar, salivary cell ke andar, salivary gland ke cell ke andar. So it helps in the body growth of multicellular organism. Mitosis in the meristematic tissue helps in the continuous growth of plants throughout the life. So mitosis in the meristematic tissue. Meristematic tissue are the continuously dividing cell that keeps on dividing
एंड डिवाइडिंग, तो माइटोसिस करते रहते हैं मेरिस्मेटिक सेल्स जो हैं, व्हेन एवर दे नीड दे कैन गेट डिफरेंशिएटेड इनटू द परमानेंट सेल्स. सो मेरिस्मेटिक सेल्स के अंदर क्या होती है, बेसिकली माइटोसिस ही होती है. मियोसिस कहाँ पे होती है, मियोसिस के बारे में हम आगे पढ़ने वाले हैं. मियोसिस होती है हमारे ओवम, मतलब ओवरी, ओवम फॉर्मिंग सेल्स के अंदर, एंड जिसको हम क्या बोलते हैं, माइक्रोस्पोर एंड मेगास्पोर मदर सेल के अंदर. इट रीस्टोर्स द न्यूक्लियो साइटोप्लाज्मिक रेशियो दैट डिस्टर्ब ड्यूरिंग ड्यू टू सेल ग्रोथ. तो न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म की जो रेशियो है वो क्या रहती है, इक्वल रहती है इन ईच द सेल. इट हेल्प्स इन सेल रिपेयर एंड रिप्लेसमेंट, एग्जाम्पल अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस, लाइनिंग ऑफ गट एंड ब्लड सेल. स्टूडेंट्स हमारे अंदर रोज बहुत सारे सेल्स मरते हैं पर रोज बहुत सारे सेल्स बनते भी हैं. दैट इज कि हमारे अंदर जितने सेल मर रहे हैं उतने सेल हमारे अंदर न्यू फॉर्म हो रहे हैं. दैट इज नोन एज इन दिस वे द सेल माइटोसिस इज हेल्पिंग इन रिपेयर एंड रीजनरेशन. नाउ वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट पार्ट, पार्ट 3, दैट इज मियोसिस. So meiosis, it is the division of the diploid germ cell that reduces the chromosome number by half, that is haploid daughter cells. So students, in the diploid cell we were having the 46 chromosome, thus in the haploid cell we are having the 23 chromosomes. It occurs during gametogenesis. Gametogenesis matlab gamete formation ke time, sperm formation and ovum formation ke time kya hoti hai, meiosis hoti hai. Next is it leads to haploid phase in the life cycle of sexually reproducing organism. Fertilization restores the diploid phase. Students, हमें पता है कि sexual reproduction के time पे क्या होना है, fertilization होना है, fusion होना है, male and female gamete का fusion होना है. तो उस time क्या होता, अगर हम haploid condition ना form करें तो हमारा जो nucleus है, जो genetic material है, वो हर generation के अंदर multiply होता जाता. इसीलिए मियोसिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप इन द फॉर्मेशन ऑफ द गैमेट्स, क्योंकि गैमेट्स ने क्या करना होता है, फर्टिलाइज करना होता है. सो की फीचर्स ऑफ मियोसिस, मियोसिस के अंदर बेसिकली होता क्या है, कौन कौन से इवेंट्स हैं जो मियोसिस के अंदर हो रहे हैं. सो द मियोसिस इज इन्वॉल्विंग द टू साइकल्स बेसिकली. फर्स्ट इज द मियोसिस 1 एंड सेकेंड इज द मियोसिस 2, बट ओनली अ सिंगल साइकिल ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. डीएनए क्या करता है स्टूडेंट्स, एक ही बार रेप्लिकेट होता है. डीएनए को रेप्लिकेट करने की जरूरत पड़ती है इसमें भी, हाँ जी पड़ती है, ये आप दिमाग में बिठा लो. ऐसा नहीं है, कुछ भी ऐसा नहीं है कि मियोसिस में डीएनए रेप्लिकेट नहीं होता, होता है. तो बट डीएनए की रेप्लिकेशन क्या होती है, एक ही बार होती है, हालांकि जो साइकिल है वो दो बार रिपीट होता है, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2. इट इन्वॉल्व्स पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड रिकॉम्बिनेशन बिटवीन देम. होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं, सेम सेट, जैसे कि फर्स्ट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, सेकंड सेट ऑफ क्रोमोसोम है, उसके जो दोनों क्रोमोसोम्स हैं दे आर नोन एज द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. सो होमोलोगस क्रोमोसोम्स की पेयरिंग होती है एंड उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है. मियोसिस 1 बिगिंस आफ्टर द रेप्लिकेशन ऑफ द पेरेंटल क्रोमोसोम टू फॉर्म द आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमैटिड्स एट द एस फेज. 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्मड एट द एंड ऑफ मियोसिस 2. तो मियोसिस 2 के एंड पे क्या होता है, हमारे पास टोटल ऑफ 4 हैप्लॉइड सेल्स बन जाते हैं, मतलब एक सेल से हमारे पास 4 सेल्स बनते हैं. मियोसिस के अंदर क्या था, एक सेल से हमारे पास 2 सेल्स बन रहे थे, माइटोसिस के अंदर एक सेल से 2 सेल्स बन रहे थे, एक पेरेंट सेल वॉज फॉर्मिंग द 2 डॉटर सेल्स, बट इन द केस ऑफ मियोसिस 1 पेरेंट सेल इज फॉर्मिंग द 4 डॉटर सेल्स. सो मियोसिस 1 के अंदर प्रोफेज 1 होता है, मेटाफेज 1 होता है, एनाफेज 1 होता है, टेलोफेज 1 होता है. मियोसिस 2 के अंदर प्रोफेज 2 होता है, मेटाफेज 2 होता है, एनाफेज 2 होता है, टेलोफेज 2 होता है. सो इनके जो फेजेस हैं दे आर आल्सो पीमेट 1 एंड पीमेट 2. टू अवॉइड द कंफ्यूजन बिटवीन, क्योंकि सारे जो होते हैं ना बेसिकली स्टेप्स सारे सेम होते हैं, बस क्या होता है इसके अंदर रिकॉम्बिनेशन होती है, बाकी सारा कुछ ऑलमोस्ट सेम होता है. तो कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए हमने क्या नाम क्यों डिफरेंट रखने, नाम हमने इसीलिए क्या करी है, सेम रखी है. प्रोफेज PMAT was in the case of mitosis, PMAT 1 and PMAT 2 is in the case of meiosis. So let us now start with the prophase 1.
So in the meiosis one, what is meiosis one and the prophase one, what is happening? Prophase one is the longest phase. Meiosis one के case में वो even longer होता है, ठीक है? मतलब क्या है? जो हमने difference डाला था meiosis and mitosis के बीच में, वो हमने prophase के अंदर ही डाल दिया, ठीक है? So prophase हमारा थोड़ा सा complicated है, and prophase के अंदर LZPDD You can remember this as Leo, Zio, PDD. Okay, Leo, Zio, PDD. Pen drive. You can whatever you can think about this. Leo, Zio, PDD. One person is Leo, second is the Zio, PDD. आपको क्या रखना है? जस्ट sequence ही याद रखना है. सबसे पहले आता है हमारे पास pacotin, then आता है हमारे पास zygotin. Sorry, सबसे पहले आता है हमारे पास leptotin, then zygotin, then pacotin. Then diplotin and diakinesis. मतलब यहाँ के prophase के अंदर और mitosis के prophase के अंदर सिर्फ एक difference है. वो क्या difference है? That difference is meiosis का जो prophase है, that is even longer and it is consisting of the 5 sub parts. So what happens in the leptotin? Leptotin stage is known as the leptonema in some cases. Chromatin fibers become longer, slender chromosomes. And nucleus enlarges. तो इस केस में क्या होता है? तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर जो होता है मियोसिस, एक सेल जो माइटोसिस करने जा रहा है, दूसरा सेल जो मियोसिस करने जा रहा है, इसके अंदर डिफरेंस होता है. वो क्या डिफरेंस होता है? कि क्रोमोसोम जो फॉर्म होते हैं, दे आर स्लाइट डिफरेंट इन स्ट्रक्चर. तो जाइगोटेमा के अंदर क्या होता है? क्रोमोसोम्स बिकम मोर कंडेंस्ड, सिमिलर क्रोमोसोम स्टार्ट पेयरिंग टुगेदर, दैट इज सिनाप्सिस. ठीक है, सिमिलर क्रोमोसोम, जैसे कि एक पेयर के अंदर दो क्रोमोसोम होते हैं. वी आर इन टोटल हैविंग द 23 क्रोमोसोम पेयर्स. तो सारे पेयरिंग जो है, क्रोमोसोम्स जो है इधर उधर थे, वो पेयर होना शुरू हो जाते हैं, सिनाप्सिस करना शुरू कर देते हैं, पेयरिंग अप करना शुरू कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ द कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नोन एज सिनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स. सिनाप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स है, वो क्या करता है? क्रोमोसोम्स को बुलाता है. दो क्रोमोसोम्स जो एक साथ, मतलब बिल्कुल सेम है, वो क्या करेंगे? पास में आना शुरू हो जाएंगे. The paired chromosomes are called the homologous chromosomes. Each pair of homologous chromosome is called bivalent because it is consisting of two chromosomes. Bivalent. Okay. Next is the pacotin stage. Pacotin stage को pacinema भी बोलते हैं. It is comparatively longer phase. सबसे ज़्यादा longer phase होता है prophase का. Bivalent chromosomes split into smaller chromatids. This stage is called tetrads. तो स्टूडेंट्स देखो, एक पेयर के पास दो क्रोमोसोम्स थे, वो दो क्रोमोसोम्स फर्दर डिवाइड हो जाते हैं एंड टेट्राड बना लेते हैं. अपीयरेंस ऑफ रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स एट व्हिच क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स, इट लीड्स टू रिकॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक मटेरियल ऑन द होमोलोगस क्रोमोसोम्स. रिकॉम्बिनेशन इज कंप्लीटेड बाय द एंड ऑफ द पैकेटिन. तो रिकॉम्बिनेशन मतलब आपको याद रखना है रिकॉम्बिनेशन किसके अंदर हो रही है. ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं, दे आर द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स. स्टूडेंट्स लेट मी टेल यू व्हाट आर द सिस्टर एंड द नॉन सिस्टर क्रोमोसोम्स. ये हमारा फर्स्ट पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स है. इसके अंदर दो क्रोमोसोम है. हर एक क्रोमोसोम के पास क्या है? दो आर्म्स है. एक क्रोमोसोम की ये दो आर्म्स, दे आर द सिस्टर क्रोमेटिड्स. एंड ये वाली सपोज 1 2 3 4, I'm writing it up as 1,
4. So what are the sister and the non-sister? 1, 2 are the sisters. 3, 4 are the sisters. Non-sister kaun hai? 1, 3 and 4. And yahan pe non-sisters kaun hai? 2, 3 and 4. Okay? So these are the non-sister structures. 3 and 4 aapas mein sisters hai, lekin 1 ke saath wo kya hai, wo non sisters hai. To recombination kiske andar hoti hai? Non sister chromosomes ke andar, theek hai, jiski wajah se jo genetic material hai wo kya ho jata hai, recombinate ho jata hai. Next is the diplotene stage. Diplotene stage is also known as the diplonema. Dissolution of the synaptonemal complex occurs. Synaptonemal complex ने क्या किया था? Synapses करवाया था. जो दो chromosome homologous chromosome थे, वो क्या आ रहे थे? पास-पास में आ रहे थे. The recombined chromosomes of the bivalent separate from each other except at the sites of crossover. These X-shaped structures are called chiasmata. ये देखो. मैं आपको बहुत detail में दिखाने वाली हूँ. See, this is one arm. This is the second arm. Second arm is being crossed over by the third arm. So, ये जब separate होने वाले हैं, तो separate होके कुछ अलग दिखने वाले हैं from the normal one. Now they are recombined. यहाँ पे blue और orange color से आपको recombination show की गई है. अब after the crossing over, the chromosomes will look somewhat like this. In the oocytes of some vertebrates, diplotene lasts for months or years. So, ये क्या है? Sometimes diplotene has longest these egg-shaped structures are called chiasmata. ये क्या होता है? ये वाला जो चीज़ है, this is known as the chiasmata. This X-shaped structure is known as chiasmata. In oocytes of some vertebrates, diplotene lasts for months or years. जब तक ये separate out नहीं होंगे तो डिप्लोटिंग स्टेज चलेगी. इसीलिए कई बार क्या होता है, वो सेपरेट नहीं होती है, इसलिए ये जो डिप्लोटिंग स्टेज है वो काफी ज्यादा लॉन्ग चली जाती है. नाउ डायकाइनेसिस. डायकाइनेसिस के अंदर क्या होता है, टर्मिनलाइजेशन ऑफ द चियाज्मेटा. चियाज्मेटा जो है वो क्या हो जाएगा, सेपरेट हो जाएगा, रिजल्टिंग इनटू अ रिकॉम्बाइंड क्रोमोसोम. क्रोमोसोम्स आर फुली कंडेंस्ड. द मियोटिक स्पिंडल फाइबर्स ओरिजिनेट फ्रॉम द पोल्स टू प्रिपेयर द homologous chromosome for separation, nucleolus and nuclear envelope disappears. तो prophase के अंदर जो भी हो रहा था, ठीक है, mitotic prophase के अंदर जो भी हो रहा था, वो diagenesis phase of the prophase के अंदर होगा, क्योंकि यहाँ meiosis के अंदर prophase ने क्या करने थे, कुछ additional काम करने थे. So meiotic spindle fibers originate from the poles to prepare the homologous chromosomes for separation and nucleolus and the nuclear envelope disappear. जो mitotic prophase के अंदर हो रहा था वो diagenesis phase of the prophase के अंदर होता है. So okay students, that was all about today's topic. In the next class, मतलब last class, next class के अंदर हमारा ये chapter complete हो जाएगा cell cycle and cell division का. We are going to discuss about the metaphase and the other processes.